नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों अब आपके जीवन में आपको नया रास्ता मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब शब के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दोस्तों ईश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह बात आपके लिए बिल्कुल ही सटीक बैठता है। क्यों दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपके नए रास्ता ही नहीं बल्कि आपके सपने सच होने वाले हैं। जी दोस्तों, क्योंकि पिछले समय की जो आपकी मेहनत है, जो आपके कष्ट है, वो यश में दर्शा रहे हैं कि आपको ये सफलताएं मिलनी ही थी। जी दोस्तों, क्योंकि पिछले समय में आपने कौन से दुख दर्द झेले हैं, कैसी समस्याओं का सामना किए हैं, ये आपको खुद ही पता है। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों आप कभी दूसरों को अपने दुखों को जाहिर करना नहीं चाहते हैं, और यश में आपके दोस्तों वही दुखों का जो परिणाम है मिलने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले समय आपने कष्ट करके अपने कार्यों में तन मन धन से मेहनत किए हैं, तो दोस्तों उनका परिणाम तो यश में आपको मिलेगा ही, और बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको हम सभी खुशखबरियों के बारे में एक एक करके बताएंगे, और इन्हें सुनकर शायद आपके आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताते हैं कि इन बातों को आप किसी गैर के साथ बिल्कुल ही शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों वहीं से आपके फिर जो है बुरे दौर की शुरुआत होते हैं। तो दोस्तों यश में आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, ईश्वर के आशीर्वाद आपको भी किस प्रकार मिलने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बस आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप छोटा सा भी चीज़ मिस कर देते हैं तो दोस्तों जाने अनजाने में अपने जीवन की बहुत ही अमूल्य वस्तु को मिस कर देते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में संतोषजनक समय चल रहा है, जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आपको काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए, तथा दोस्तों अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों कुछ राजनीतिक लोगों से मेल जोल या फिर मुलाकात बेहतरीन साबित आपके लिए होंगे। यश में आपके उनसे जो कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में सावधानी को लेकर अगर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखें कि अधिक सोच विचार करने में कुछ परिणाम जो है आपके हाथ से निकल सकते हैं। स्वभाव में यश में घमंड और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ना आने दें। दोस्तों यश में सेविंग में भी आपकी कमी रहेगी। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, यदि आप नई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए पेशा जोड़ना शुरू करना होगा। आपके द्वारा दी गई लोन की अर्जी यश में नकारा जा सकता है, लेकिन दोस्तों पैसे से जुड़ी मदद आपको परिवार के मित्रों से प्राप्त हो सकती है। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों पैसे से जुड़ी चिंता पड़ने की वजह से आप जो है किसी भी काम पर पूरा ध्यान यश में नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों घर को सुव्यवस्थित रखने में आपकी विशेष रुचि रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां आपके सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच से काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। साथ ही दोस्तों थकान की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए किसी एकांत या फिर धार्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, किसी मित्र या फिर रिश्तेदार की गलत सलाह के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। बेहतर है कि दोस्तों अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, और दोस्तों अपने गुस्से और अहम जैसी नकारात्मक कमियों में सुधार लाने के लिए आपका जो समय होगा अति उत्तम समय होगा। इनमें आप सुधार लाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अपनी भावनाओं को काबू में करना भी आपके लिए यश में आसान रहेगा। अधिकतर समय आप अपने विचारों में खोए रहेंगे, और इनकी वजह से आप जो है किसी जटिल प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों दूसरों के प्रति भी रखी अपेक्षाओं को कम रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों दृढ़ निश्चय होकर अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान दें। आर्थिक दृष्टि से ये जो दिन है, ये जो समय है, आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियाँ ला रहा है। इसके बाद दोस्तों यश में रचनात्मक तथा मन मुताबिक गतिविधियों में भी आप व्यस्त रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि दूसरों की सलाह पर काम करने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखें। दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। कभी कभी गुस्से या फिर वाणी में कटुता की वजह से बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान दें और अपने वाणी पर संयम रखकर ही कार्यों को शुरू करें। इसके बाद दोस्तों यश में आपके अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को संतुलित रखना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरों के द्वारा कही गई बातों से जो आपको मानसिक तकलीफ होती है,
उस तकलीफ की वजह से आप जो है गलत निर्णय इसमें ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों खुद को शांत रखने का प्रयास इसमें आपको करना चाहिए। दोस्तों दूसरों की बातों में आकर व्यक्तिगत जीवन के लिए या फिर व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप जो निर्णय में बदलाव न लाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पिछले कुछ दिनों से चल रही थकान भरी दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आपको जो है रुचिपूर्ण कार्यों में अपना समय को व्यतीत करना चाहिए। यह समय आपका कोई रुका हुआ या फिर उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, इसकी संभावना बन रही है। परंतु दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि पैसे आने के साथ साथ खर्चे भी रहेंगे। दोस्तों इसमें लापरवाही में आकर किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें, अन्यथा कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अभी वक्त आपके पक्ष में ही रहेगा। करीबी व्यक्ति द्वारा आनंद आपको प्राप्त होगा, परिवार और मित्रों में जो है आपका प्रभाव बना रहेगा। दोस्तों आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या से जुड़ी हर बातों में आपको प्रगति प्राप्त होगी। दोस्तों यश में मन आनंदित रहने की वजह से छोटी बातों का भी आप पूरा लुप्त यश में उठा पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों व्यापारियों को प्रगति प्राप्त होगी और नए व्यापार की योजना भी यश में बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको नए प्रस्ताव भी मिलेंगे। दोस्तों यश में लाभदायक स्थितियाँ आपके लिए रहने वाली है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में बहुत धैर्य और संयम रखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है अकारण मतभेद होने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के क्षेत्र में मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाकर रखें। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे उनकी लापरवाही की वजह से दिक्कतें आ सकती है। मीडिया और मार्केटिंग संबंधी कामों को यश में स्थगित रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपकी लापरवाही की वजह से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य आपका बिगड़ सकता है। दोस्तों यश में अपने भविष्य संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखकर वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान को जो है केंद्रित रखें, ये भी आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों जल्दी ही समय की चाल आपके लिए अनुकूल होंगे, नौकरी में भी किसी प्रकार की यश में यात्रा संभव होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों इनकम के संसाधनों में भी कुछ कमी रह सकती है, परंतु दोस्तों जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। इसलिए दोस्तों अपने कार्यों के प्रति ध्यान को केंद्रित रखें। नौकरी पेशा लोगों को यश में ऑफिस में सामंजस्य बिठाने की में जो है कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसमें कामयाब रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय आपके मुश्किल समय में जीवनसाथी का सहयोग आपके लिए जो है संजीवनी का कार्य करेगा। दोस्तों सिर्फ अपने गुस्से व फिर आवेश पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, ये आपके लव लाइफ के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में सकारात्मक बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में कभी कभी आत्मविश्वास या फिर अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनसे आप बचने की कोशिश करें। यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के संबंध यश में उत्तम रहेंगे, प्रेम संबंध पारदर्शिता बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों अलगाव की स्थिति भी यश में उत्पन्न हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के संबंध यश में ठीक रहेंगे, परंतु घर में कुछ ना कुछ परेशानियां रह सकती है। दोस्तों परेशान ना होकर समस्या का हल ढूंढने, ये आपके लिए बेहतर होंगे, और दोस्तों कोशिश करने से आपको समस्या का हल भी यश में मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य ने सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में ज़्यादा तनाव लेने की वजह से हार्मोन संबंधी दिक्कतें आ सकती है, योगा और मेडिटेशन पर आपको ध्यान देना यश में उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, चेस्ट संबंधी दिक्कतें रह सकती है, खांसी जुकाम वगैरह भी आपको परेशान यश में कर सकता है। दोस्तों यश में सावधानी बरतना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षमता और ऊर्जा में कुछ कमी भी आपको महसूस कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन यश में आपके लिए उचित इलाज का होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी, क्योंकि दोस्तों यश में आपके ऊपर तनाव रह सकता है। हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन ही लें, ये आपके पाचन प्रणाली के लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन पर ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं हर रोज़ की तरह एक नए और सरल टोटके के बारे में। दोस्तों ये टोटके आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, आपके भविष्य में जो है खुशियों का आगमन करा सकता है, तो आप इन्हें अपने डेली रूटीन लाइफ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर आप एक लोटा जल चढ़ाएं,
मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। दोस्तों रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल जो है अपने साधक को प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इन बातों का ख्याल अपने डेली रूटीन लाइफ में रखें और उन्हें प्रयोग करें। दोस्तों देखते ही देखते जो आपके भविष्य जो है बदलने लगेगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, आपकी जो है मनोकामनाएं यश में पूर्ण होगी। तो दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें।